सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2017 के उस ऑर्डर को रद्द कर दिया है जिसमें एनजीटी ने शिमला के ग्रीन और कोर एरिया में निर्माण पर पाबंदी लगाई थी। प्लानिंग एरिया में 2.5 मंजिला से ज़्यादा ऊंचा मकान बनाने की अनुमति नहीं थी। शीर्ष अदालत में न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश पीके मिश्रा और न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता राज्य सरकार और शिकायतकर्ता योगेंद्र मोहन सेन गुप्ता व अन्य पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज ये फैसला दिया है। इस पर बीते 12 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। उस दिन कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर दिया था। हिमाचल सरकार ने एनजीटी के ऑर्डर को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से अब प्रदेश सरकार की केस जीत गई है। एनजीटी के ऑर्डर क्वैश होने के बाद शिमला में अब डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से निर्माण हो सकेगा। ये शिमला के सैकड़ों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। एनजीटी ने 2017 में शिमला के ग्रीन और कोर एरिया में निर्माण पर पाबंदी लगाई थी। इस ऑर्डर के कारण शिमला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी ओल्ड शिमला को नए सिरे से बसाने का काम पूरी तरह प्रभावित हुआ। इस ऑर्डर के कारण शिमला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी ओल्ड शिमला को नए सिरे से बसाने का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ। 32 किलोमीटर से अधिक के रेडियस में बसे शिमला शहर में अब डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्शन होगी। राज्य सरकार ने बीते साल ही नया डेवलपमेंट प्लान बनाकर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है। अब इसके हिसाब से प्लानिंग एरिया में लगभग 4.5 मंजिल यानी कि 14 से 21 मीटर तक ऊंचे भवन बनाए जा सकेंगे। अब कोर्ट के रिटन ऑर्डर से स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होगी। इस मामले को लेकर एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। शिमला शहर कई वर्षों से एक डेवलपमेंट प्लान की राज देख रहा था। हालांकि इंटरिम डेवलपमेंट प्लान 1977 से शिमला शहर में था, लेकिन फिर भी उसमें क्लैरिटी लोगों को नहीं होती थी। इसी कारण समय समय पर सरकार ने निर्णय लिए कि डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए, और जब डेवलपमेंट प्लान बनाने का प्रोसेस चल रहा था तो उस प्रोसेस को एनजीटी में चुनौती दे दी गई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उस प्रोसेस के चलते हुए प्रदेश सरकार को डिफरेंट दिशा निर्देश दिए, जो पैरा 112 में और एनजीटी जजमेंट में निर्देश दिए गए थे। उन निर्देशों में ये कहा गया था कि एक विभिन्न विभिन्न डायरेक्शंस के अनुसार ही डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए। जब प्रदेश सरकार ने डेवलपमेंट प्लान शिमला नगर के लिए बनाने की सोची, नगर निगम एरिया तथा उससे अटैच्ड एरिया में, तो उन एनजीटी की डायरेक्शंस का पूर्णतः ध्यान रखा गया। एनवायरमेंट्स के जो कंसर्न्स थे उनका पूरा ध्यान रखा गया, परंतु फिर भी एनजीटी ने उस प्लान को, जो एक ड्राफ्ट प्लान था, ड्राफ्ट की स्टेज पर था, उसे ही रद्द कर दिया। तो उन दोनों आदेशों को प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एक आदेश को तो माननीय हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और वो पिटीशन ट्रांसफ़र होकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। आज उन दोनों पिटीशंस पर प्रदेश उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है, मैं आपको अक्षरश पढ़ के सुना देता हूँ, दैट वी हैव गोन थ्रू द डेवलपमेंट प्लान, द डेवलपमेंट प्लान हैज़ बीन फाइनलाइज्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस एक्सपर्ट कमेटीज एंड द स्टडीज अंडरटेकन विद रिगार्ड टू वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है माननीय उच्चतम न्यायालय के, जबकि एनजीटी ने इन सारी बातों को न जांचा न परखा, एक बहुत छोटे से आदेश में उस ड्राफ्ट प्लान को रद्द कर दिया। उसके बाद जब हम उच्चतम न्यायालय में लगातार सुनवाई हो रही थी, पहले रुका हुआ था परंतु 2023 से हमने इसको बहुत स्पीड अप किया और लगातार सुनवाई होते हुए उच्चतम न्यायालय ने हमें एक स्टेज पर यह परमिट कर दिया था कि जो ड्राफ्ट प्लान है उसको आप नोटिफाई कर दें, लेकिन 1 महीने तक उसको लागू नहीं करेंगे। उसके पश्चात भी हमने ड्राफ्ट प्लान को नोटिफाई कर दिया, उसमें कुछ अमेंडमेंट भी कैबिनेट ने लाई, जैसे ग्रीन प्लॉट्स के संदर्भ में अमेंडमेंट आई, एरिया बढ़ाने के संदर्भ में अमेंडमेंट आई। वो सारी अमेंडमेंट भी प्रदेश सरकार ने और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के मामले में अपने कदम उठाने जारी रखे,
उसके पश्चात भी मामला न्यायालय में लंबित था, तो हम प्लान को नोटिफाई करने के बाद लागू नहीं कर पा रहे थे। तो आज वो जो ड्राफ्ट प्लान था वो फाइनल शेप लेकर अब आज के निर्णय के पश्चात शिमला नगर निगम में लागू हो गया है, और इससे नगर वासियों को तथा सराउंडिंग एरिया के लोगों को बहुत राहत मिलेगी, जिनके नक्शे पेंडिंग थे, जिनके घर बनने का सपना पूरा हो जाएगा।